हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है ना, किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को ही हम विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विलोम शब्द और उन्हें जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए लिखें विलोम शब्द। मैं लिखता हूं विलोम शब्द अर्थात उल्टे शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब इसके पहले परिभाषा लिख लेते हैं विलोम की। विलोम वास्तविकता में है क्या? परिभाषा होती है किसी शब्द का उल्टा अर्थ या विलोम अर्थ, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। अब विलोम शब्द को ही हम विपरीत अर्थक यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत होता है इन्हें हम विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्दों को ही विपरीत अर्थक शब्द भी कहा जाता है। विपरीत अर्थक शब्द भी कहा जाता है। यानी वे शब्द जो हमें आपस में उल्टा अर्थ देते हैं, अपोजिट मीनिंग देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ विलोम शब्द। अब हम यहां पे लिख लेते हैं पहले शब्द और यहां लिखते हैं विलोम, ताकि हमें पता चल जाए आसानी से कि शब्दों का जो विलोम है वो क्या है, विलोम शब्द जो है कौन सा शब्द है। अब सबसे पहले हम वे शब्द होते हैं जिनमें अ लग जाता है, शब्दों के साथ हम आ लगाते हैं तो वे विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ज्ञान में आ लगाते ये बन जाएगा अज्ञान, जो कि इसका विलोम है, उल्टा है, अज्ञान। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं यहां पे न्याय में आ लगाते ये बन जाएगा अन्याय। अब ऐसे ही हम यहाँ पे जो दूसरा शब्द ले लेते हैं एक और शुभ में जैसे ही हम आ लगा देते हैं तो ये हो जाता है अशुभ। इसके बाद हम शब्द लेते हैं जैसे पूर्ण, हमने ले लिया पूर्ण। पूर्ण में जब हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपूर्ण। इसके बाद हम शब्द लेते हैं यहां पर सत्य में आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा असत्य यानी झूठ, असत्य। इसके बाद हम एक और शब्द लेते हैं जैसे कि शांत। अब हमने यहां पे ले लिया शांत। शांत में जैसे ही हम आ लगा देंगे
शांत में आ लगाते ये हो जाएगा अशांत, अ शांत अशांत। अब हम एक और शब्द लेते हैं सफल, सफल, सफल में आ लगाते ही हो जाता है असफल, आ स फ ल असफल। अब हम वे शब्द थे जिनमें हम अन लगा देते हैं, अब मैंने यहां पे ले लिया, हमने अब लगाएंगे हम अन, जिसे कि हमने शब्द ले लिया जान, जान, जान में हम अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनजान, अन जान, अनजान। अब हम दूसरा शब्द यहां पे लेते हैं पढ़, पढ़, पढ़ में जैसे हम अन लगाते तो ये हो जाएगा अनपढ़, अन पढ़, अन से अन लगाते जान में अनजान और पढ़ में अन लगाते ही हो जाएगा अनपढ़। इसके बाद हम लगाते हैं उचित, उचित, जब हम उचित में अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनुचित, अनुचित, अनुचित। वैसे अब हम यहां पर लेते हैं आवश्यक, आ व श य का आवश्यक, आवश्यक यानी जरूरी, और जब आवश्यक में अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनावश्यक, अना व श य क अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है। जान अनजान, पढ़ अनपढ़, उचित अनुचित, आवश्यक और अनावश्यक। ऐसे अब हम यहाँ पर शब्द लेते हैं अप, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अप, और अप के अप से हम जो शब्द देते हैं उन शब्दों में हम अप लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा मान, मान, मान में हम अप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपमान, अपमान, अपमान। इसके बाद हम दूसरा शब्द यहाँ पे लेते हैं यश, यश, यश में अप लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपयश, अप यश, अपयश। अब हम एक और शब्द यहां पे लिखते थे, हमने लिखा व्यय, व्यय, व्यय में जैसे हम अप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपव्यय, अप व्यय। शकुन, शकुन, शकुन में जब हम अप लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपशकुन, अप शकुन, अपशकुन। इसे एक बार हम पढ़ के देखते हैं, ज्ञान अज्ञान, न्याय अन्याय, शुभ अशुभ, पूर्ण अपूर्ण, सत्य असत्य, शांत अशांत, सफल और असफल। वैसे जब हम अन लगा देते हैं तो हो जाता है जान से अनजान, पढ़ से अनपढ़, उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक। हम अप लगाते हैं तो हो जाएगा मान का अपमान, यश का अपयश, व्यय का अपव्यय और शकुन का अपशकुन। तो आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं, वी हमने यहाँ पे लगा दिया वी। अब मैंने हमने पहले यहाँ पे शब्द लिया मैंने पक्ष, पक्ष, पक्ष में वी लगा देंगे तो ये हो जाएगा विपक्ष, वी पक्ष, विपक्ष। अब फिर हम शब्द लेते हैं यहां पे देश, देश में जैसे ही वी लगाते तो ये हो जाएगा विदेश, विदेश। अब हम यहां पे लगाते हैं, यहां लिखते हैं ना, अब वे शब्द जिनकी हम जिनमें हम ना लगा के उनका अपोजिट बना देते हैं, विलोम बना देते हैं, उन शब्दों को देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया था, अब मैं यहां लिखती हूं लायक, ला य
क लायक, लायक में जब ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा ना लायक, ना ला ना लायक। अब मैं आपका शब्द देखती हूँ पसंद, प स न और इन्ना और द, पसंद। पसंद में जब हम ना लगाते तो ये हो जाएगा ना पसंद, ना पसंद, ना पसंद। वैसे अब हम यहाँ पर शब्द लिखते हैं जैसे समझ, स म झ समझ, समझ में ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा ना समझ, अब हम कुछ ऐसे स्वतंत्र शब्दों को देखते हैं जो स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द होते हैं। अब हम कुछ ऐसे विलोम शब्दों को देखेंगे जो स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द है, स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द, स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द। जैसे कि पहला मैंने शब्द लिखा यहां पर रक्षक, रक्षक का विलोम होता है भक्षक, रक्षक भक्षक। अब मैं यहां पर लिखती हूं अमृत, अमृत, अमृत का विलोम होता है विष, विष, अमृत और विष। अब यहां लिखते हैं आय, आय का विलोम होता है व्यय, आय और व्यय। अब हम लिखते हैं यहां पे जन्म, जन्म का विलोम होता है मृत्यु, जन्म का विलोम हो गया मृत्यु। अब मैं यहां लिखती हूं लाभ, लाभ और यहां पे उसका विलोम हो गया हानि, हानि, लाभ हानि। अब हम यहां पे लिखते हैं स्वर्ग, स्वर्ग और नरक, यहां पर लिखते अमीर, अमीर गरीब। तो एक बार इन शब्दों को पढ़ के देखते हैं, वे शब्द जिनमें वी लगा दिया, पक्ष विपक्ष, देश विदेश। अब वे शब्द जिनमें ना लगाए, लायक ना लायक, पसंद ना पसंद, समझ और ना समझ। अब यहाँ वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से ही विलोम शब्द है, जैसे हमने लिखा रक्षक भक्षक, अमृत विष, आय व्यय, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, स्वर्ग नरक, अमीर और गरीब। अपने अगले वीडियो में हम कुछ और विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, आपका अपना चैनल।